हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फ्रॉम गवर्नेंस रिव्यू। और आज क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो साल की पहली द हिंदू के एनालिसिस हम ये लेकर आए हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि अब हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो या फिर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हाईलाइट करेंगे, उन्हीं को बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बता दें, पहले बताया कि जो संडे की एनालिसिस रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप उसको ज़रूर देखा कीजिए। अगर संडे आप नहीं देख पाते हैं तो आप उसको किसी और दिन देख लीजिए, लेकिन संडे के एनालिसिस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट जो उसमें आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, प्रोफाइल सेक्शन आते हैं, साइंस के सेक्शन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर पेपरों में आपको देखने को मिलेंगी। तो उस सेक्शन को आप मिस मत कीजिए, संडे के एनालिसिस जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज के नए साल की सबसे पहली एनालिसिस। तो फ्रंट पेज से ही देख लेते हैं क्या कुछ खबर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यूएस नेवी है, इट हैज सिंक्ड 3 हौती वेसल्स। तो यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने सेंक किया 3 वेसल्स, जो कि ऑपरेट कौन कर रहा था, यमन के जो ईरान बैग्ड हौती रिबल्स थे वो इनको ऑपरेट कर रहे थे। दैट हैड अटैक्ड अ कंटेनर शिप इन द रेड सी। तो अभी पीछे आपने सुनी थी कि रेड सी में कंटेनर पर अटैक किया गया था, तो उनके जो हौती जो रिबल्स थे उनके 3 जो वेसल्स थे उनको जो है यूएस नेवी ने सिंक कर दिया है। उसी के साथ साथ आपको देखना है कि जो आधार लिंक्ड है वो पे मेड मैंडेटरी कर दिया है फॉर एमजी नरेगा वर्कर, जो महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया आज से कि उनको जो है अपनी अगर जो अपने आधार से उनको लिंक करा जाएगा पे वेजेस को, और अदरवाइज पेमेंट उनको नहीं हो पाएगी। तो डाटा है यहाँ पे यह है कि जो 34.8% जो रजिस्टर्ड वर्कर्स थे और जो 12.7% एक्टिव वर्कर्स हैं दे स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर द न्यू पेमेंट सिस्टम। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक डाटा ये भी है कि जो लगभग 7.6 करोड़ जॉब कार्ड जो है वो डिलीट हो चुके हैं सिंस अप्रैल 2022। तो डाटा पॉइंट में आप ये 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, इनको आप किसी एसे या मेंस के क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो इंजीनियरिंग के जो वेजेज हैं दे विल बी पेड ओनली थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको हम ABPS बोलते हैं, जिसमें क्या है ये रिक्वायर करता है कि जो आधार डिटेल्स हैं वर्कर्स की वो सीड कर दी जाएंगी उनके जॉब कार्ड के साथ। तो अब ये मैंडेटरी हो गया है, ये 5वां एक्सटेंशन था जो डेडलाइन जो खत्म हो गई है और ये संडे को एंड हुई है, तो 1 जनवरी से जो है अब ये मैंडेटरी हो गया कि जॉब कार्ड जो है वो सीड किया जाएगा आधार के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इज पनगड़िया टू हेड 16th फाइनेंस कमीशन। आपको ये ध्यान रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये जरूर मिलेगा क्वेश्चन कि 16th फाइनेंस कमीशन का हेड किसको बनाया गया है। तो जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया जी, उनको चेयरमैन बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। और फाइनेंस कमीशन आपको पता है काम क्या करता है, इट विल रिकमेंड द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और ये किस पीरियड के लिए है, ये 5 ईयर पीरियड के रहेगा जो कि शुरू होगा अप्रैल 2026 से। तो 16th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड रहने वाला है वो अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 5 साल के लिए रहेगा। फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखना है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो है वो इसको फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। और ये अब जो आने वाला कमीशन वो कौन सा होगा, 16th फाइनेंस कमीशन रहेगा और इसके हेड कौन रहेंगे, हमने बताया वाइस चेयरमैन थे जो नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया जी, वो इसको हेड करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको जानना जरूरी था। आगे देखते हैं और क्या खबर है, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहेगी उसको नहीं छोड़ेंगे। राइटर राहुल संकृतियांस तिब्बतन कलेक्शन जो मैन्युस्क्रिप्ट का था वो ओल्ड पटना म्यूजियम में जो है वो रहेगा। तो इनवैल्यूएबल कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट का और पेंटिंग्स का, और ये बेसिकली जो ट्रेवल्स थे इनके राहुल संकृतियायन जी के, जो तिब्बत के उनके ट्रेवल्स थे और जो हिस्टोरियन है ये उनके बेसिकली ये ट्रेवल में जो उन्होंने कंपाइलेशन किया उसको ही राहुल कलेक्शन का नाम दिया गया है। एक्चुअली डिबेट ये चल गया है कि उसको रखा कहाँ जाए, तो ये डिबेट जो है वो बिहार म्यूजियम अथॉरिटीज और जो एमिनेंट स्कॉलर्स और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके लेट हिस्टोरियन जो है राहुल संकृतियायन जी, उनके बीच में कंटेंशन चल रहा है। जो राहुल कलेक्शन है इट इज अ प्रोविजनल गिफ्ट मेड टू पटना म्यूजियम बाय द लेट स्कॉलर कमेंसिंग फ्रॉम 1933 एंड इट इज द फ्रूट ऑफ द 4 आर्डुअस जर्नी ही मेड टू तिब्बत। कब कब किया उन्होंने जर्नी, 1929 1934 1938 में। और बेसिकली इस कलेक्शन में है क्या, तो इसमें तिब्बतन थंग का पेंटिंग्स हैं, मोर देन 1600 तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, रिचुअल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इमेजेस ऑफ ब्रॉन्ज हैं, अनबेक्ड क्ले और वुड हैं, आइटम्स ऑफ ज्वेलरी हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं एज वेल एज ग्लास नेगेटिव्स हैं सम रेयर पाम लीफ स्क्रिप्चर्स के। तो ये सारा चीज इसमें है, ये चीज आपको इससे रिलेटेड सिर्फ याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है कि राहुल संकृतियन जी जो है उनके पास तिब्बतन कलेक्शन था और उसके जो अभी वो फिलहाल पटना म्यूजियम में है उनमें क्या क्या आता है, थांग का पेंटिंग्स हैं तिब्बतन की
और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी उसमें आती हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो एडिटोरियल पे चलते हैं। सबसे पहले परेड ऑफ यूनिटी पॉलिटिकल पार्टिसनशिप हैज नो प्लेस ऑन रिपब्लिक डे। तो बेसिकली रिपब्लिक डे में आपको पता होना चाहिए कि जो टैब्ल्यू होते हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, लेकिन सभी स्टेट के टैब्ल्यू नहीं सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें जो इस बार है वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली के जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे रिपब्लिक डे परेड में, जिसकी वजह से एलिगेशन लगाई जाती है पार्टीशनशिप के चलते जो है ये जो है सेलेक्ट नहीं किए गए। वहीं पर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपना उसमें व्यू पॉइंट दिया है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जो नेशनल सेलिब्रेशन है इट इज वन दैट कैन डू विदाउट सच कॉन्ट्रोवर्सी। ये जो है ऐसे होने चाहिए नेशनल सेलिब्रेशन कि इनमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो रिपब्लिक डे की परेड होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैट्रियटिज्म एंड पॉम्प एंड एन ऑब्जर्वेंस ऑफ कंट्री यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ये दर्शाने के लिए बेसिकली किया जाता है। और ये जो शो है इट इज अ शो ऑफ हार्ड पावर हाईलाइटिंग इंडियाज मिलिट्री माइट अलोंग साइड इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड सॉफ्ट पावर। इन तीनों इन सब चीजों को दर्शाने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। और जो इस साल की थीम रहने वाली है 2024 के रिपब्लिक डे की वो आप ध्यान रखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो टैब्ल्यू का सिलेक्शन है वो कौन करता है, स्क्रीनिंग कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसकी स्क्रीनिंग करती है, आपको ये ध्यान रखना है। उनके पास एक एलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जो सेलेक्ट करती है पार्टिसिपेंट्स फॉर द परेड के लिए, आपको ध्यान रखना है। फिर जो कमेटी जो है वो बनाई जाती है डिस्टिंग्विश्ड पर्संस ड्रोन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स स्क्रीन प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके जो प्रपोजल उनको स्क्रीन कौन करता है, डिस्टिंग्विश्ड पर्संस की बनी हुई कमेटी करती है। फिर इसमें विजुअल अपील जो इम्पैक्ट है मास पे वो, जो थीम है वो, जो डिग्री ऑफ डिटेल्स है वो, जो म्यूजिक है वो, जो इन्वॉल्वमेंट है लोकल आर्टिस्ट का, ये सारे की डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जब टैब्ल्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पे ये डिसाइड नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे डिसाइड होता है। लेकिन ये बात अलग है कि एक अनफॉर्चुनेट टर्न है कि जो ये चेरिश नेशनल डे जिसे हम रिपब्लिक डे जैसे हमारा है उसमें कुछ स्टेट जो है वो फील करें कि एक्सक्लूड किया गया है उनको पॉलिटिकल रीजंस के चलते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऑथर ने देखिए फाइनली कितना अच्छा बोला कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एंग्विश इज जस्टिफाइबल और नॉट एफर्ट्स टू मिटिगेट इट वुड बेनिफिट द ओकेजन। कि आपको एफर्ट ये करनी चाहिए, ये जो इशूज हैं या ये जो एक तरह से एंग्विश है ये कहीं ना कहीं मिटिगेट होना चाहिए। और सेंटर को ये होना चाहिए कि इट शुड सीक वेज टू अचीव मोर ऑब्जेक्टिविटी इन द सेलेक्शन ऑफ टैब्ल्यूज एंड लीव लिटिल रूम फॉर कंप्लेंट। कि टैब्ल्यू के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस में ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी लाए और जो ये कंप्लेंट का ये जो इशू चल रहा है उसके लिए कम से कम रूम जो है छोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड गेम। जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था वो हमने बताया था कल जो है वो फाइनली जो है साइन हो गया था, इनटू फोर्स में आया था। तो ये बताया था तीन के बीच में ट्राईपार्टी एग्रीमेंट था, जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम है उल्फा जिसको बोलते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट है वो, और तीसरी पार्टी इसमें असम स्टेट गवर्नमेंट। तो इट मार्क्स द एंड ऑफ ए प्रोसेस दैट बिगेन इन 2009 में ये शुरू हुआ था और लगभग 15 साल बाद जो है फाइनली ये जो है वो एंड हुआ है और ये साइन हो पाया है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे ये चला, कहाँ से शुरू हुआ, बीच में क्या दिक्कतें आई, ये सारा कुछ बताया है मैं। लेकिन इसमें ये भी बताया है फाइनली ओथर ने कि जो थ्रेट थी मिलिटेंसी की फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द उल्फा, क्योंकि धीरे धीरे ओथर ने बताया कि वीकन होता चला गया था उल्फा का, इतना ज्यादा असर रह नहीं गया था, लेकिन जो इसका थ्रेट था इट माइट हैव सबसाइडेड ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स इन असम, लेकिन मच नीड्स टू बी डन टू रेज द लाइवलीहुड स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीजेंट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लेकिन उसके चलते बेशक सबसाइड जरूर हुआ है ड्रामेटिकली, लेकिन ओवर द ईयर जो लाइवलीहुड स्टैंडर्ड्स है वो जो नीचे चला गया उसको ऊपर लाने के लिए जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं लीड आर्टिकल में आज का है रीडिंग द टी लीव्स फॉर 2024। तो 2024 के लिए जो क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, जो पास्ट ईयर है उसमें बहुत सारे जो पॉली क्राइसिस से वो हुए हैं जो शुरू हुए थे नए डिकेड में, जैसे COVID-19 पैंडेमिक आया था जैसे डिकेड शुरू हुआ उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला, रशिया यूक्रेन का वार हमें सबको पता है, शार्पनिंग क्लाइमेट चैलेंजेस देखने को मिले हमें, डेट बर्डन जो एस्केलेट हुआ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और साथ ही साथ अल्टीमेटली इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिला। लेकिन क्या जो है आने वाले साल में मतलब जो है वर्ल्ड को कुछ रिलीफ मिल पाएगी या जो सिचुएशन है पहले से और बेटर हो वर्स हो जाएगी बेटर होने की बजाय, तो प्रेडिक्शंस बिल्कुल अनरिलायबल बताया और थाने भी यहाँ पे, लेकिन ये है कि एक इन्फॉर्म्ड रीडिंग हम दे सकते हैं कि हम जो है किस स्टैंड पे हम खड़े हुए हैं और दिसंबर 2024 तक जो है क्या हो सकता है, क्या चांसेज हो सकते हैं। तो एनालिसिस जो की गई है वो एक ऑब्जेक्टिव इंडियन पर्सपेक्टिव को उन्होंने बताया इन्फ्यूज विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली एनालिसिस है इट एंकर्ड इन द कन्विक्शन दैट इंडियाज रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ
drives its proactive diplomacy aimed at ending conflicts by utilizing dialogue and negotiations as preferred path to peace and prosperity. हमने कल भी बताया था कि इंडिया ने यहाँ पे अपने जो डिप्लोमेसी है उसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को दिखाया है और साथ साथ जो नेगोशिएशन डायलॉग्स हैं उनको यूटिलाइज अच्छे से किया है और जो पाथ प्रेफर किया है इंडिया ने वो बेसिकली पीस और प्रोस्पेरिटी के पाथ को जो है किया है और इसी वजह से हम जो है स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है कि हम जो है एक तरह से जो COVID-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन मिला था उससे हम थोड़ा सा उबरने में सक्षम हो पाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वार और पीस की बात की तो यहाँ पे दोनों वार का जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो जो इसराइल वाली वार है उसका बोला है कि जो नाइट मेयर्स हैं वायलेंस एट द सी एंड द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया कुड टर्न आउट टू बी रियल इन 2024। ये जो दोनों वार हुई हैं इनसे जो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस का राइज देखने को मिला है और गुड्स में ट्रेड में वो कहीं ना कहीं 2024 में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। फिर ऑथर ने बोला है कि वर्ल्ड इज नो डाउट एंग्जियस टू अवॉइड द आउटब्रेक ऑफ न्यू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन 2024। साथ ही साथ ये जो दो वार चली थी रशिया यूक्रेन का वो तो चल ही रहा है, जो इसराइल का और पैलेस्टीन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, हमास का वो गाजा वाले रीजन में वो चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड जो है वो और ये नहीं चाहेगा कि जो कोई और नई वायलेंट जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2024 में और ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फ्लैश पॉइंट्स पॉसिबल हैं अभी भी जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी है कि वायलेंट हो सकते हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, जैसे ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ चाइना सी और स्पेशली द शार्पनिंग फ्यूड बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस, द इंडिया चाइना बॉर्डर। ये सारे रीजन फ्लैश पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन इनको अवॉइड ही करना चाहेगा वर्ल्ड, ये चाहेगा कि इनको ना दिया जाए। इंडिया के लिए क्या क्या गेंस रहे हैं इसमें, यह तो कुछ एरिया सेवरल एरियाज में इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसने हैंडसमली स्कोर किया है और ट्रैक पे बहुत कुछ अचीव भी किया है, जैसे यूएस के इंडिया के रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट, उनमें अच्छा सुधार देखने को मिला है, अच्छे एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। साथ ही साथ कुछ इशू जरूर है, जैसे खालिस्तानी इशू रहा, पन्नून निज्जर वाली जो सागा था उसने एक डार्क शेडो जरूर लाया, लेकिन धीरे धीरे लिंजर ऑन हुआ है, कुछ समय के लिए रहा फिर लिंजर ऑन गया, लेकिन उसने जो है इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो इतना हर्ट नहीं कर पाया है वो, ठीक है। फिर जो यूरोपियन यूनियन के साथ कोऑपरेशन है और जो बायलेटरल रिलेशंस है जो की मेंबर स्टेट्स हैं वो एडवांस हुए हैं पॉजिटिवली, जैसे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो विजिट करेंगे एज अ चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार चीफ डे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी इस बार हैं। जो फोकस रखा है इंडिया का वो स्पेशल रिलेशंस रखे हैं जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और फर्दर कंसोलिडेशन हुआ है क्वाड को जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस आते हैं, ये सारे पॉजिटिव साइड पे है इंडिया के में। हालांकि रशिया के साथ ये जरूर कहा जा रहा है कि हमारे रिलेशन थोड़े से कमजोर हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, बेशक जो जो प्राइम जो हेड की जो मतलब समिट्स होती हैं जो एनुअल समिट होती हैं वो जरूर दो बार से नहीं हो पा रही, स्किप हुई हैं, लेकिन मोदी पुतिन की समिट जो है वो हो सकती है कि 2024 में वो जो हो जाए, ठीक है ना। जो अगला सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा था वो ये था जो हमने हैंडल किया G20 के प्रेसिडेंट को वो बिल्कुल, और उसको कल्मिनेट किया इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन विद 100% कंसेंसस, जिसकी बात होती है कि कंसेंसस शायद नहीं पहुंच पाएगा, उसको हम अचीव करने में सफल रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी साथ में आए हैं, जैसे चाइना जो है वो एक चैलेंज है अभी भी, क्योंकि इट विल कंटिन्यू टू बी द नंबर वन चैलेंज इन 2024 एंड बियॉन्ड। इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी की जो जरूरत है कि वो डिवाइस की जाए। फिर जो न्यू ईयर है इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो नए इशू और कुछ पुराने इशू से जो ग्रैपल कर रही है, जिसमें आप क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हैं, जो नेगोशिएशन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के उनको बोल सकते हैं, जो इंडिया की एक्सपर्टीज है डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो, और जो रेडीनेस है टू अकॉर्ड ए प्लेस ऑफ प्रायोरिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये बेसिकली सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया की डिप्लोमेसी को एक तरह से देखने पड़ेंगे और उनको ध्यान में रख के चीजों को लेना पड़ेगा। फिर जो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि G20 मान लो, ब्रिक्स मान लो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या IUR एसोसिएशन है, बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक जिसको हम बोलते हैं वो है, या जितने और भी इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं, तो उनमें नीड है कि दे पुश टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म विल डिमांड सीरियस अटेंशन, कि उनमें सब में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन काउंसिल में रिफॉर्म की मांग की जा रही है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली सीरियस अटेंशन की जरूरत है। फाइनली ये बोला होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इट विल हैव टू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड द फोर्थ कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एज ए मेजर माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। तो एक इलेक्शंस भी, क्योंकि 2024 जो इलेक्शन का ये रहने वाला है, तो वो भी उसका भी कहीं ना कहीं ये रहेगा कि एक अच्छा मैसेज जो है वो जाए कि डेमोक्रेसी इंडिया में कितनी अच्छी उसमें चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्लड्स एंड ए प्रिवेंटिव मेजर दैट नीड्स रिव्यू। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये हुआ है कि आप देखेंगे जब फ्लड्स वगैरह आते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं,
कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें आपको तुरंत डिसीजन लेना है उस टीम में, लेकिन उसने ये कहा कि आप जैसे कुछ होता है कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी शट कर देते, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ था, बिल्कुल उस टाइम पे लाइफ सेविंग जरूर है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप पावर को रिस्टोर भी करें विदाउट एनी डिले, क्योंकि अगर आप पावर रिस्टोर नहीं करेंगे तो बाकी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है पावर रिस्टोर ना करने, तो आपको वो भी देखना है कि आपको रिस्टोर करना है, ठीक है ना। तो यार डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको, चाहे आपको इम्पोज करना है कोई चीज, आपको हटानी है कोई रिस्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्ट एज प्रीमेच्योर रेस्टोरेशन ऑफ पावर टू एरियाज विद डैमेज केबल्स कैरी द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, द अनजस्टिफाइबल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर कट ऑल्सो हैज ए रियल एंड सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी रिस्क फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द राउंड होम। जैसा कि प्रीमेच्योर रेस्टोरेशन जो है वो खतरनाक है, इसी तरह से ओवर डिलेड जो पावर कट है वो भी कहीं ना कहीं रिस्क है, उसके भी लोगों की जान के साथ जो है या घरों के साथ उनके, उसमें भी उसका रिस्क है, ठीक है ना। ये जरूर है कि जो टफ चॉइस बनानी पड़ती है किसी भी सिचुएशन में, डिजास्टर वाले इवेंट में, वो फिनोमेनली कॉम्प्लेक्स जरूर है, पॉलीडाइमेंशनल होती है, मल्टी वेरिएबल सिनेरियो होता है, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चैलेंज होता है वो माइंड नंबिंग हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन एक्सपर्ट्स जिनको ये टास्क दी जाती है उनको वो डिजर्व करते हैं अनस्टिंटेड अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट। जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में भी जो लोग अच्छे डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज को जरूर करते हैं। तो यहाँ पे उसने सजेस्ट किया कि एक आप हायरार्की बेस्ड अप्रोच रखिए, जिसमें लेवल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए और वो बेस होने चाहिए इम्पैक्ट एरिया पे या टारगेट पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम कर सकती है। दूसरा उसने बोला कि डिसीजन मेकिंग सेल जो है उसको ज्यादा ग्रेनुलर बनाना चाहिए और डेफिनेटली फास्टर होना चाहिए थोड़ी सी, ताकि जो इम्प्लीमेंट जो रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सके। फिर तीसरा उसने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि एक पर्सन जो है वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन में कम से कम जो मेजर डिसीजन लेने उनमें आपको एक से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, और उसमें जो पीरियोडिक रिव्यू है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक्स द प्रिंसिपल एट प्ले इज दैट डिसीजन मेकर्स रेशनल एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए चॉइस और प्रेफरेंस शुड बी सब्जेक्ट टू रिव्यू। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिसीजन लिया गया है डिसीजन मेकर का जो रेशनल रहा है या एविडेंस रहा है सपोर्ट में या चॉइस रही है उसकी प्रेफरेंस की, वो बिल्कुल सब्जेक्ट टू रिव्यू होना चाहिए, उसमें रिव्यू हो जाना चाहिए, और अगर इनडिफेंसिबल पाया जाता है, अनसपोर्टेड पाया जाता है, तो उस डिसीजन को जो है ओवरटर्न करना चाहिए या मॉडिफाई कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करनी चाहिए स्क्वायरली ऑन द इंडिविजुअल्स हु मेक सच सब ऑप्टिमल मूव, जिन्होंने सब ऑप्टिमल मूव की है या जिन्होंने एक तरह से सब ऑप्टिमल डिसीजन लिया, तो उनको आप उन पे आप लायबिलिटी फिक्स कीजिए, और फ्यूचर में इस तरह के डिसीजन मेकिंग से उनको पोजीशंस में अगर वो हैं तो उनको आप हटा भी सकते हैं। ये ऑप्शन सारे ऑप्शन ने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, तो अच्छे ऑप्शन हैं, देखिए इम्प्लीमेंटेशन कितना कर पाते हैं, वो सारी चीजें हैं। द राइज ऑफ AI chatbots इन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, तो डाटा पॉइंट में सबसे पहले आया है कि लगभग 80% जो बैंक्स हैं इंडिया में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया chatbots को जो कैपेबल हैं कन्वर्सेशन विद ह्यूमन यूजर। आपने देखा होगा आजकल आप ऑनलाइन जाते हैं तो chatbots आपको मिल जाते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देते हैं। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट में जो दो चीजें हैं वो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जी हमने बता दिया लगभग 80% जो बैंक्स हैं 78.8% अगर देखें प्रिसाइज टर्म्स में, तो उन्होंने इस फैसिलिटी को जो है अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि 26 आउट ऑफ 33 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो चैटबॉट्स का यूज कर रहे हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो जो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने चैटबॉट्स को ओवर द ईयर्स अडॉप्ट किया है उसकी बात की गई है, उसमें देखेंगे तो जो प्राइवेट बैंक्स का शेयर था वो दो फिस्कल ईयर 17 तक जो है वो हायर था, लेकिन सिचुएशन रिवर्स हो गई उसके बाद के ईयर्स में, जहां पे जो लार्ज, क्योंकि बाद में आपको पता होगा ट्रेंड चला जहां पे लार्ज स्केल मर्जर किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, तो उसकी वजह से जो चैटबॉट्स का अडॉप्शन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा बाद में हो गया, उन्होंने रिवर्स कर दिया, यही था। आगे देखते हैं गवर्नमेंट्स का OTT जो ओवरसाइट है उसमें, तो यहाँ पे बेसिकली तीन क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। पहला, यूनियन गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट ओवर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल है उसका क्या मतलब है OTT प्लेटफॉर्म के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट एंश्योर कैसे करेगी फेयर रिप्रेजेंटेशन विद इन द कंटेंट इवेल्यूशन कमेटी, और क्या मेजर्स प्रपोज की गई हैं अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस, और लास्टली क्या उसका जो क्रिटिसाइज है या क्या उसका जो कंसर्न्स है वो सारे इसमें है। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल है इट ब्रॉडन्स द रेगुलेशन ऑफ कवर OTT platforms and digital content, introducing mandatory registration and a 3-tier regulatory system. तो mandatory registration है और 3-tier जो है वो regulatory system हुआ है।
नो पर्सन और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कैन प्रोवाइड सर्विसेज और रन अ नेटवर्क विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट। बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, बिना गवर्नमेंट के इंटीमेशन के कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती, ना ही कोई नेटवर्क जो है वो रन कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। जो केबल और सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं मस्ट ऑल्सो गेन अप्रूवल टू ट्रांसमिट प्रोग्राम्स, उनको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रोग्राम ट्रांसमिट करने के लिए। जो बिल है ये एक्सटेंड करता है रूल्स टू इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जैसे कि IPTV हैं या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर व्यूअर थ्रेशोल्ड, तो उनके आधार पे जो उनको एक्सटेंड किए गए हैं रूल्स को। इसके लिए कंटेंट इवेल्यूशन कमेटी जो है प्रपोज की गई है फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड ए सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग कमिटीज एंड काउंसिल्स इज आउटलाइन। तो ये सारी चीजें आउटलाइन की गई है। अभी इसमें फीचर्स हैं कि क्या किया गया है भाई, जो बिल है वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है इंस्पेक्शंस विदाउट नोटिस, ये एक चीज है, और पोटेंशियल इक्विपमेंट सीजर्स की भी परमिशन देता है फॉर वायलेशंस और मैंडेट करता है कंप्लायंस विद इन 30 डेज अपॉन सीजर। तो ये सारे फीचर्स हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्या मेजर्स जो गवर्नमेंट को क्या पावर्स दी गई है वो सब। कंसर्न्स क्या जताए जाए, जो क्रिटिक्स हैं वो फियर कर रहे हैं सबसे पहले तो पोटेंशियल सेंसरशिप का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका इंपैक्ट जो है वो फ्री स्पीच और क्रिएटिविटी पे रहेगा जो, और वो कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट द एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग एंड इट्स सब्जेक्टिव नेचर। जो रूल मेकिंग पावर ज्यादातर उन्होंने बोला है कि एज में भी प्रेस्क्राइब्ड बाय करके ज्यादातर उसमें दिया गया है और उनको ज्यादातर सब्जेक्टिव रखा गया है, तो उसी चीज से कंसर्न हो रहे हैं कि इन चीजों की इनको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कंसर्न ये भी जा रही है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स का फ्रीडम है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न का इशू है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ब्रिज टू नोवेयर हिडन प्लाइट ऑफ डाइवर्टेड पेमेंट, तो यहाँ पे वही जो मैंडेटरीली कर दिया है कि MGNREGA पेमेंट जो है वेजेज जो है वो लिंक्ड कर दिए गए हैं किससे, सीड जॉब कार्ड सीड करने की बात कही है आधार के साथ, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उसको बोला था हमने। तो इसमें यहाँ पे कुछ जो इश्यूज हैं बेसिकली वो थे यहाँ पे साइड के, तो सबसे पहला जो इन्होंने बोला है वो SECI फाउंडेशन बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है जो फाउंडेशन से आधार लिंकिंग की वो ही कहीं ना कहीं फाउंडेशन ही SECI हैं, तो उसने सबसे बोला कि जो पर्सन का आधार नंबर है वो एक फाइनेंशियल एड्रेस की तरह उसका बन जाएगा, और किसी आदमी का मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं एक ही पर्सन के तो जो ABPS है वो ऑटोमेटिकली पैसे कहाँ भेज देता है, जो लेटेस्ट मैप्ड अकाउंट है उसमें भेज देता है। तो ये इशू है क्योंकि अगर जनरल योजना वाले अकाउंट्स में देखेंगे तो वहां पे ये देखा था कि हालांकि जो जनधन योजना के अकाउंट थे उन्होंने एक पर्पज जरूर सॉल्व किया था लेकिन बहुत सारे जो अदर्स थे वो सुपर फ्लूएस ही रह गए और उन्होंने एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंट्स का कंफ्यूजन जो है क्रिएट कर दिया था। जो आधार नंबर सीड किए गए थे इन अकाउंट्स के साथ वो विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ किए गए थे, तो ये एक इशू जो है वो रहता ही है। दूसरी जो यहाँ पे बात किया होता है वो की है शॉर्ट शिफ्ट की, यानी कि हैपजार्ड मैनर में सीडिंग की जाती है। ठीक है ना, जो मीटिंग द सीडिंग टारगेट्स वाज द प्रायोरिटी एंड ड्यू वेरिफिकेशन वंस अगेन टुक द बैक सीट, क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी गई है सीड कराने के लिए टारगेट्स की, भाई आपको इतने अकाउंट जो है सीड करने हैं, इतने जो जॉब कार्ड आपको सीड करने हैं आधार के साथ, उस पर प्रायोरिटी दी जाती है, जो वेरिफिकेशन वाले पर्सन को फिर से बैक सीट दी जाती है। तो ग्राउंड वर्क जो चाहिए ABPS को वर्क करने के लिए रिलायबल सीडिंग ऑफ बैंक अकाउंट विद आधार इट हैड सिंपली नॉट बीन डन व्हेन ABPS वाज रोल्ड आउट, तो ये कहीं ना कहीं इशू ये भी अनचेक्ड ही रह गया। जो कंपलसरी EKYC थी वो एक नाइटमेयर ही रह जाता है पुअर पीपल्स के लिए, कई सारे उसके रीजंस हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, तीसरा जो उसने बोला है वो बोला है रिस्की ब्रिज को बोला है, सो फार सो बैड बट देयर इज वर्स विदाउट वेटिंग फॉर द सीडिंग मैश टू बी क्लीन अप द ABPS वाज फोर्स ऑन मिलियंस विदाउट कंसेंट, बहुत सारे लोगों को बिना कंसेंट के जो ही उन पे फोर्स कर दिया गया था कि आप ABPS को कीजिए। कई बार तो ऐसा हुआ उनसे सिर्फ एक पेपर पे साइन करा लिया उसके अपने आप जो उसको, कई बार मैपिंग और सीडिंग को एक ही चीज बताते हैं कि मैपिंग और सीडिंग है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं गई है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये वाले इशू है। फिर चौथा होता है यहाँ पे बताया अकाउंटेबिलिटी का लैक, कि अकाउंटेबिलिटी की लैक है। इसमें तीन चार चीजें बताई, पहला ये कि जो डाइवर्टेड पेमेंट्स है दे आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ABPS, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डाइवर्टेड पेमेंट्स है वही ABPS के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उसके साथ जो रिजेक्टेड पेमेंट्स है वो भी एक इशू है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में जो है एक तरह से उनको पावरलेस बना देता है रेसिपिएंट्स को। दूसरा इसमें उसने बोला कि जो प्रॉब्लम्स है ये मैग्नीफाई हो जाते हैं बाय परवेसिव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है, क्योंकि बहुत ओपेक सिस्टम है ये पेमेंट सिस्टम ABPS जो है, और बहुत कम लोग जो है उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की। तो जब लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं ये डाइवर्टेड या रिजेक्टेड पेमेंट्स की तो उनके पास कोई रिकोर्स ही नहीं रहता है, वो किसके पास जाए। ठीक है ना, हालांकि बहुत बेस्ट इंटेंशंस के साथ जो है जो बैंक मैनेजर है वो ये चाहेगा कि उनका इशू सॉल्व करे, लेकिन वो भी कई बार जो उनकी हेल्प नहीं कर पाता है। तो जो गाइडलाइंस है पेमेंट प्रॉब्लम जो बातें उनको रिजोल्व करने के लिए वो कॉन्स्पिकुअस है
और उनकी एब्सेंस है, मतलब ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि उनको किस तरीके से आपको रिजोल्व करना है, तो ये चीज है। तीसरा होता है यहाँ पे बोला है कि नन ऑफ दिस सीम्स टू परटर्ब द एजेंसी दैट आर प्रमोटिंग द एबीपीएस एंड रिलेटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो उनसे जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उनको प्रमोट कर रही है या जो एबीपीएस को एजेंसी प्रमोट कर रही है उनको कोई इतना वो ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें उतना ही बोला कि जो यूआईडी है इट डिड टेक कॉस्मेटिक डैमेज कंट्रोल मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लास्ट टू ईयर्स जजिंग फ्रॉम झारखंड एक्सपीरियंस हाउएवर द पैथोलॉजी ऑफ द एबीपीएस कंटिन्यू टू कॉज हैवॉक ऑन द ग्राउंड। कि कुछ कोशिश जरूर की है पिछले 2 सालों में कि यूआईडीआई ने कि कुछ जो है इन चीजों को मेजर्स को कंट्रोल मेजर्स दी जाए जिससे डैमेज कम हो, लेकिन एक इंडिपेंडेंट और पार्टिसिपेटरी रिव्यू जो है सिस्टम का वो अभी भी ओवरड्यू है और वो करेंगे तभी आपको जो मेजर प्रॉब्लम्स इसमें समझ आ पाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इट, आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट है तो ये एक ध्यान रख सकते हैं आप। कन्विक्शन रेट में देखिए जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने कन्विक्शन रेट अचीव किया 94.7% का 2023 में। जो एनआईए इट हैज अचीव्ड अ फिनोमिनल कन्विक्शन रेट ऑफ 94.7%। अरेस्ट किया है 625 अक्यूज को और अटैच किए हैं असेट्स वर्थ अबाउट 56 करोड़ इन 2023। तो डाटा पॉइंट के व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है ये, आपके आंसर राइटिंग में जो है वो हेल्प करने वाला है कि कन्विक्शन रेट एनआईए का काफी अच्छा है और असेट भी उसने अच्छी खासी 56 करोड़ के असेट्स की वर्थ की जो असेट्स हैं वो उसने अटैच भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट था उसने स्पीड पकड़ी है 2023 में। तो ये आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज है हमारी 22 उनमें ट्रांसलेट करने की बात कही थी, लेकिन स्पीड पकड़ी जरूर है ट्रांसलेशंस की, लेकिन क्वेश्चन अभी भी रेज किए जा रहे हैं लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये ट्रांसलेटेड जजमेंट जो है वो किस लिए कैसे किस तरीके से यूजफुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी भी जो प्रोसीडिंग्स है वो रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट करने के लिए नहीं परमिशन दी है, केवल हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदी में उनको परमिशन है। और दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो ट्रांसलेटेड रूलिंग्स हैं इट कम विद अ डिस्क्लेमर, उनके ऊपर एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है जिसको हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, तो उस डिस्क्लेमर के चलते हुए जो है अगर कोई भी इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट ट्रांसलेशन तो उसके लिए जो कोर्ट रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। तीसरी जो उसने यहाँ पे बात की है वो ये कि अगर आप हिंदी से देखें तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोसरी ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी इन मैनी अदर रीजनल लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी को छोड़ दें तो बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है चाहे वो तमिल हो या तेलुगु वगैरह उनमें कोई ऐसी ग्लोसरी या स्टैंडर्डाइज लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं जो है प्रोवाइड की गई है टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश विच हैज ऑलरेडी लेड टू इनकोहरेंट ट्रांसलेशन इन सम लैंग्वेजेस सच एज तमिल, ये जो है ये बोला गया है। तो डिस्क्लेमर की जो हमने बात की थी उसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है इट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट ट्रांसलेशन एंड फॉर एनी एरर ओमिशन और डिस्क्रिपेंसी इन द कंटेंट ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। द ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड शैल हैव नो लीगल इफेक्ट और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो इस डिस्क्लेमर के साथ जो है ट्रांसलेशन किया जा रहा है कि उसका जो ट्रांसलेशन है उसका कोई भी लीगल इफेक्ट या कंप्लायंस और एनफोर्समेंट नहीं रहने वाला है और जो जिम्मेदारी है इनएक्यूरेट ट्रांसलेशन की या एरर ओमिशन वगैरह की डिस्क्रिपेंसी वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की नहीं रहेगी, ठीक है ना। डिस्क्लेमर ये भी कहता है कि एनीवन यूजिंग द ट्रांसलेशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी देमसेल्फ विद ओरिजिनल वर्जन, और ये जिम्मेदारी उसकी रहेगी जो इस वर्जन को या इस ट्रांसलेशन को यूज कर रहा है कि वो ओरिजिनल वाले वर्जन से उसकी एक्यूरेसी चेक कर ले। तो इनके साथ ये आया है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए आया था कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें, तो बेसिकली हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जानना है। यहाँ पे डेफिनेशन से आ सकता है क्वेश्चन, एसजीबी से पहले भी क्वेश्चन आया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग्स डिनोमिनेटेड इन गोल्ड। गोल्ड में जो डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग्स है उनको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहते हैं। दूसरी चीज, ये बॉन्ड्स जो है इशू होते हैं फेस वैल्यू पे पैक्ड टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है गोल्ड का उसकी फेस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। और तीसरा जो है इनकी मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल और 8 साल के बाद मैच्योरिटी पीरियड पे इनको रिडीम कर दिया जाता है एट द गोल्ड प्राइस प्रिवेलिंग देन, जो भी गोल्ड प्राइस उस टाइम चल रहा होगा 8 साल बाद उस पर उनको रिडीम कर दिया जाता है। तो ये तीन फीचर्स आपको याद रखनी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। इनका यूज जो हमने अभी बात की थी क्या उनमें इन्वेस्ट करना करें या करें, तो उसके लिए 2 कमेंट्स है। पहला, ये जो रिटर्न्स है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस बिटवीन बाय एंड सेल डेट्स, इन 2 डेट्स पे डिपेंड करते हैं। दे पे या नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, थोड़ा सा इंटरेस्ट वो जरूर फेस वैल्यू पे देते हैं लेकिन बाकी उनका जो रिटर्न है वो डिसाइड होता है कि वो किस वैल्यू पे खरीदे गए और किस वैल्यू पे बेचे गए हैं। दूसरी चीज, आप कैश आउट नहीं करते सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को एट ए टाइम ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस के टाइम पे आप उसको कैश आउट नहीं कर सकते। जैसे बॉन्ड्स हैं आप जब चाहे तब
उनको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनको आप नहीं कर सकते। जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह या आपने देखे होंगे जो आप इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंस मार्केट्स में बॉन्ड्स वगैरह, उनको आप कर सकते हैं, लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनको अपनी चॉइस पे नहीं कर सकते। एक बार बिक गए द बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस, तो वो सिर्फ एक्सचेंज पे जो है ट्रेड होते हैं। दे टेंड टू फीचर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मेकिंग एग्जिट डिफिकल्ट, और जो एग्जिट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप शेयर मार्केट के कंपेरिजन में देखें। तो ये आपको सॉवरेन गोल्ड से बॉन्ड से रिलेटेड इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था, बाकी नहीं है। आगे देखते हैं, हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। स्पोर्ट्स में जरूर एक कमेंट आया था कि स्पोर्ट्स सेक्शन को डिस्कस कीजिए, तो स्पोर्ट्स में आज जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है, रोनाल्डो जो है उन्होंने 2023 का साल जो है वर्ल्ड का टॉप गोल स्कोरर रहे हैं और 54 टोटल गोल्स उन्होंने स्ट्राइक किए हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है 2023 में फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल टॉप गोल स्कोरर कौन रहा है, तो वो वर्ल्ड फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, और 5 बार इनको बैलन डी और जो है मिल चुका है अवार्ड इनको, ये फुटबॉल का टॉप अवार्ड है बैलन डी और, ठीक है ना। और इन्होंने 54 गोल किए हैं पुर्तगाल और एआई नासर के लिए। वहीं सेकंड नंबर पर हैं हैरी केन, जिन्होंने सेकंड नंबर पर हैं वो, उन्होंने 52 गोल्स किए इंग्लैंड और बेयर म्यूनिक क्लब के लिए। और पीएसजी के फ्रेंच अटैकर जो है काइलिन मबापे, उन्होंने भी 52 गोल्स किए हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यही थी इसमें। आगे देख लेते हैं, हाँ साइंस सेक्शन में जरूर है आज। यू हैड योर जीनोम सीक्वेंस्ड एंड फाउंड समथिंग, नाउ व्हाट। तो मैनी जेनेटिक टेस्ट कैन बी परफॉर्म टूडे नॉट ऑन सिंगल जीन्स बट ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ देम। जैसे कि होल जीनोम एक्सोम सीक्वेंसिंग जो है ये सीक्वेंस करता है अराउंड 1% ऑफ द जीनोम को, एनकम्पासिंग सेवरल प्रोटीन कोडिंग रीजन्स, एंड इट्स रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसीजेस एंड कंडक्ट फार्माकोजेनोमिक असेसमेंट्स। तो जो पर्सनल जीनोम है सीक्वेंसिंग है इन पर्टिकुलर कैन हेल्प अस टेलर ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स एंड प्रेडिक्ट इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी टू स्पेसिफिक डिजीज। किसी भी इंडिविजुअल की डिजीज के प्रति क्या ससेप्टेबिलिटी है या किसी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक प्रोफाइल है उसको बताने के लिए हम जो है पर्सनल जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने जो है ये भी एनालाइज किया है कि जो प्रिवलेंस है इंसिडेंटल और एक्शनेबल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वाया पॉपुलेशन स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग है प्रोग्राम है, इट इज करंटली अंडरवे इन मैनी कंट्रीज, काफी सारे कंट्री में अंडरवे में चल रही है। जो इंडिविजुअल्स है हु हैड एन एक्शनेबल जेनेटिक फाइंडिंग हैड अ सिग्निफिकेंटली लोअर लाइफ स्पैन ऑफ 1 ईयर ऑन एवरेज कम्पेयर टू दोज हु डिड नॉट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन पे एक्शनेबल जेनेटिक फाइंडिंग नहीं मिलती है उनमें ज्यादा उनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, लेकिन जिनमें जेनेटिक फाइंडिंग एक्शनेबल मिलती है उनकी लाइफ स्पैन जो है वो लोअर पाया जाता है, ठीक है ना। आगे एक्सपो सेट की बात हमने की थी कि इसरो जो है वो आज 1 तारीख को उसने भेजा है, इसरो ने एक्सरे आई इन द स्काई भेजा है। तो बेसिकली जो सैटेलाइट है इट विल स्टडी एक्सरे एमिटेड बाय फिनोमिना इन स्पेस एंड देयर पोलराइजेशन फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट। पहली बात ये याद रखनी है एक्सरे क्या होती है, दूसरी बात है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनकी वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है, और 1 नैनोमीटर जो है 1 बिलियनथ ऑफ ए मीटर होता है, 10^9 जो है मीटर के बराबर होता है नैनोमीटर। एनर्जीज ऑफ 100 to 1 lakh इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है कैरेक्टराइज गाइस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड से होती है जो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इन्हीं को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे जो पोलराइड एक्सरेज होती हैं वो कब होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं व्हेन द पाथ ऑफ ए फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल इज बेंट बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। और इन एक्सरेज को स्टडी करेंगे तो ये रिवील क्या करेंगी, ये रिवील करेंगी किस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट कर रहा है, और ये ट्रैक भी करेंगी कि ये जो एक्सरेज इवॉल्व हुई हैं इन टाइम कैन रिवील मैनी थिंग्स अबाउट द बॉडी प्रोड्यूसिंग सच फील्ड्स लाइक अ पल्सर, कि किस तरीके से जो इवॉल्व हुई है वो बॉडी जो इनको प्रोड्यूस कर रही है उसके बारे में भी ये जानकारी दे पाएंगी। तो ये सारा काम ये बेसिकली करेंगी, ये हमने बताया था कल भी कि एक्सपोसेट इसके कंपोनेंट्स जो है वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। सो थैंक यू।